ओम शांति। सवेरे सवेरे बाबा कितनी अच्छी खुराक खिला देता है। खुराक सवेरे खाई जाती है, दिन में खाएंगे तो हजम नहीं कर सकेंगे। खुराक माना जिसमें दवा भी हो और दुआ भी हो, जो जरूरत हो वह सब शक्ति मिलती है। बाबा सब के मन की आशा पूर्ण करता है। सिर्फ हमारे मन में बाबा से मिलन के सिवाय और कोई आश न रहे तो सदा मिलन मनाते रहेंगे। यह अव्यक्त वर्ष है ही मिलन मनाने का वर्ष। बाबा मुरली भी चलाते हैं तो सब कहते हैं बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई, क्योंकि हर एक को फील होता है ना कि खास मेरे लिए बाबा चला रहा है। फील होता है ना ये हाथ ऊपर करें, इसलिए मुरली से बहुत प्यार है। जिसने कभी भी मुरली मिस नहीं की हो उसको स्पेशल इनाम दिया जाएगा। देखो बाबा इतना प्यार करता है बच्चों से। जिसने पहले कभी भी मुरली मिस की हो वे ये दृढ़ संकल्प कर ले कि मरने तक मुरली मिस नहीं करेंगे। डबल अंडरलाइन करते हैं आप सभी ये दृढ़ संकल्प कि जब तक जीना है मुरली सुननी है, मरने तक कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। जो ये पक्का वायदा करते हैं आज बाबा से, वो हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें। बाबा को भी दिख रहा है ना। मुरली सुनते सुनते शरीर छूटे तो महान भाग्यशाली है। जहां जीना है वहां अमृत पीना है। संगम युग में केवल बाबा मुरली और मधुबन चाहिए। बाबा है तो मुरली है, मुरली है तो मधुबन है। भगवान वाच बाबा मधुबन में है। मधुबन में बैठकर बाबा कह रहा है मुझे परमधाम में याद करो। जो ऐसे मुरली सुनते हैं उनको कभी झुटका नहीं आएगा। झुटका उनको आएगा जो कमाई महसूस नहीं करते। ज्ञान मार्ग के एक एक अनुभव के गीतों में ईश्वर के प्यार के राज है। ज्ञान मार्ग में जो एक एक बात हम हाँ सुनते हैं बाबा से, एक एक गीत सुनते हैं, सब में राज समाया हुआ है ना, महसूस करते हैं ना सभी। हाथ ऊपर करें। बाबा हम सबको एक जैसा बेहद प्यार करता है, क्योंकि बेहद का बाबा है। बाबा से इतना प्यार हो जो किसी इंसान से तो क्या, देव आत्मा से भी प्यार न हो। डबल इंटरलाइन। हमको पता है हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने वाले हैं। हम त्रेता युग ही नहीं है जो ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा द्वेष भाव रखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारणायुक्त पॉइंट है। इसे जीवन में लेकर आया ना तो कभी जीवन में नाराजगी महसूस ही नहीं होगी। ये बाबा ने ये क्लियर कर दिया कि हम देवता ही कुल की आत्माएं हैं। देवता ही कुल की आत्मा अर्थात देवता ही संस्कार होने चाहिए ना अपने अंदर। वो अभी कॉन्सेंट्रेट करना है हमें बढ़ाने के लिए। तो जो नेगेटिव संस्कार थे वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा भी, देखो ये भी कितना गुह्यता से कहते हैं कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है। दादियों का तो कूट कूट कर बाबा में निश्चय था ना। अभी तो भी ठीक है, ड्रामा साधन सब सहयोग ही है। पहले तो न कोई सहयोग होता था यज्ञ को, न कोई मानते थे न कोई जानते थे। उस समय दातियों ने झाटकू बन के सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी तो झाटकू बन के तन मन धन सब छोड़ दिया ना। दादियों ने कभी ये संकल्प भी नहीं किया कि ये पॉइंट ब्रह्मा बाबा ने सुनाई या शिव बाबा ने सुनाई। ये भी तो निश्चय में डगमग हो गया ना, संशय हो गया। और बाबा तो कहता ही है कि अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ कहता है तो शिव बाबा उसका जिम्मेवार है। ये निमित्त बनाया है ना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को। इसके लिए यदि निमित्त भी हमें कुछ कहते हैं तो उसमें कभी संकल्प न चले, क्योंकि बाबा ने जिम्मेवार बनाया है उनको। सदा ही हमारे मन से निकला भगवान भाग्य विधाता है। इसमें शिव बाबा न होता
हम कैसे खींचे चले आते? ब्रह्मा बाबा न होता तो हम किसके पास आते? यज्ञ कौन रचता? यज्ञ न होता तो हम समर्पण कैसे होते? यज्ञ है इसलिए तो समर्पण हुए ना। अगर शिव बाबा यज्ञ रचते ही नहीं तो समर्पण होते कैसे? बाबा ने अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छिपाया। करता भले वो है, करण करावन हार तो शिव बाबा ही है, परंतु कितनी महानता, कितनी ना ग्रेटनेस है बाबा की, जो सब कुछ करते हुए भी खुद को छिपा लेता है और बच्चों को आगे करता है। केवल अभी ही नहीं परंतु सतयुग में भी जो सुख की भासनाएं हैं, महल होंगे, सुख के जो आनंद के साधन होंगे है, और तन मन धन सभी कुछ अखूट होगा, परंतु बाबा उसमें कुछ नहीं लेता, सब कुछ बच्चों के लिए। इतना निष्काम सेवाधारी दुनिया में कौन होगा जितना बाबा है? बच्चे भले, हाँ बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि बच्चों ने भले आश भी ना रखी हो तो भी बाबा को तो देना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा तो बंधा हुआ है ना, बाबा कैसे लेगा बच्चों का? बाबा तो मल्टी मिलियन टाइम्स रिटर्न करता है। ना नशा चढ़ना चाहिए हमें, ना श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं केवल इस जन्म या 21 जन्म के लिए भी नहीं, परंतु कल्प कल्पांतर के लिए। तो आज भी बाबा ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपने आप को छिपाए हुए है। गुरु है शिव बाबा और गोविंद है यह ब्रह्मा बाबा, जिसने गौओं को संभाला। जो भी बहने ईश्वरीय यज्ञ में रहती है वो कौए हैं। गुरु ने गोविंद मिलाया, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा मिला ना हमें, तो गौशाला खोली। अभी तक कन्याओं माताओं की कैसे संभाल कर रहा है? उन्हें लायक बनाया है, शेरनी शक्ति बनाया है, गौ रक्षा की है। बाबा हमारा कितना रक्षक रहा है, मुरली के आधार से हमारी रक्षा हुई है। डबल अंडरलाइन, रक्षा करने का आधार क्या है? मुरली। तो सदा मुरली के पीछे मस्ताना बनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मस्ती तभी चढ़ती है जब मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, सफल उसी की होवे जो धनी नाम सब कर जाए। ने आपसे पूछे कि हमने अपना हाँ सब बाबा के हवाले किया है, सौंपा है, भले कुछ सेविंग करे आई विल के लिए, पर बाबा के यज्ञ में भी तो सौंपना जरूरी है ना, उसी से खुशी मिलेगी। हमको खुशी है, तन मन धन और समय सफल हो गया। जैसे बाबा ने कहा वैसे हमने फॉलो किया। श्रीमत को पालन करके बाबा नारायण बन गए। अभी हमको श्रीमत मिलती है, सब सफल करो, जो कुछ कर्म करो ईश्वर अर्थ, मन मनमना भव हो, तो धन भी वहां ही लगेगा जहां मन होगा। जहां हमारा मन होगा ना, वहां ऑटोमेटिकली धन लगता है, फिर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सेवा में लग जाता है। इच्छा होती है अंदर से कि बाबा के यज्ञ में लगे। जहां लगाव होता है, लगन होती है, वहां ही धन जाता है। तो हमको तन मन धन और समय सफल करना है। सबसे ज्यादा कीमती समय है, उसके पीछे कीचक पड़ते हैं जो समय बर्बाद करते हैं। माया हमारे पास आई ही क्यों? हम खबरदार होशियार रहे, महावीर शिव शक्ति होकर रहे। माया कमजोर के पीछे आती है, बहादुर के पीछे माया आ नहीं सकती। बाबा हमारा साथी है, यदि इंसान मदद करता है तो रिटर्न करना पड़ेगा। हमें बाप कोई यज्ञ में सहयोग भी करता है ना, हम इंसान को या व्यक्ति को नहीं देखते, बाबा करा रहा है वो देखते, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा बाबा से जुट रहा है ना। रिटर्न किसको देना है? बाबा को देना है, तो बाबा करा रहा है, और हम दे भी रहे हैं तो बाबा को दे रहे हैं। यदि इंसान मदद करता है तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, बाबा करा रहा है तो फिर क्या बड़ी बात है। सब बाबा को, तो वैसे भी जो बाबा को चिंता होती है ना, वो हम भी नहीं सोचते, क्योंकि बाबा ऑटोमेटिक कराते रहता है, बाबा रिटर्न नहीं मांगता।
अच्छी मिसाल बनकर रहे, हमारा सब कुछ सफल हो जाए, बाबा यही चाहता है। बी एग्जाम्पल बन के रहे, सैंपल बन के रहे सबके सामने, बाबा हमारा सब कुछ सफल हो जाए। दिल से बाबा को कह दो कि बाबा हमारा सब आप सफल करो, देखो बाबा कैसे नहीं करेगा, जरूर करेगा, परंतु दिल सच्ची और साफ हो तो मुराद जरूर हासिल होती है। अच्छा शांति, 2 मिनट के लिए विशेष साइलेंस में शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे, बाबा के घर के लिए शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाएंगे। कल सुबह अमृत वेले मिलेंगे लाइव, 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन, 4 से 4:30 अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि, गाइडेड मेडिटेशन, भोग, ज्वालामुखी योग और पानी चार्जिंग, और 4:30 से 5 रोज की मुरली के लिए। अच्छा ओम शांति।